अब देर किस बात की? जाओ तिजोरी से स्वर्ण भवन के पेपर्स लेकर। भगवान, हम बड़ी दुविधा में हैं। सर से नमक हरामी भी नहीं कर सकते और ना ही ये चाहते हैं कि पिताजी को पता चले हम स्वर्ण भवन में काम करते हैं, ताकि उन्हें हमारी वजह से और ठेस न पहुंचे। कार में नहीं रखी, पर अगर सर बिना फाइल के ही मीटिंग के लिए चले गए तो? मैंने तस्वीर को एक फाइल रखने के लिए कहा था, कहाँ है वो फाइल? नहीं साहब, कोई फाइल नहीं रखी गाड़ी में। डैमेट, इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है वो? सर वापस आ जाए फाइल लेने, हम डांट खा लेंगे उनकी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। तस्वीर कहाँ है? जी अभी आपके कमरे की तरफ जाते हुए देखा है। मेरे कमरे की तरफ? मैंने तो उसको कहा था कि मिस्टर वर्मा शाम को आएंगे प्रेसिडेंट। चोर नहीं है सर, स्वर्ण भवन से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं। तुम यहां इस वक्त? मैंने तो कहा था कि मिस्टर वर्मा शाम को आएंगे पैसे लेने के लिए। अभी यहां क्या कर रही हो? जी सर, ये जीजी क्या कर रही हो? सच क्यों नहीं कहती कि हाथ में चाबियां आ गई तो मन में लालच भी आ गया? तुमने पापा का भरोसा तोड़ने की कोशिश की? पापा कनिका बिल्कुल ठीक कह रही है, देख लीजिए आपने भरोसा किया और ये क्या कर रही है? पापा, नौकरों पे विश्वास करना ठीक बात नहीं है। अब देखिए ना, बिना किसी वजह की तिजोरी खोल रखी है। अगर आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या क्या चुरा लेती। हाँ पापा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूं तुमने तिजोरी क्यों खोली? आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। खामोशी हर सवाल का जवाब नहीं होती। Please tell me, तस्वीर। पापा ये क्या बोलेगी? अब तो पुलिस आके बुलवाएगी इसके मुंह से सच्चाई। मैं बताता हूं पापा,
सब डब्बे ले लेना ब्रिज। जी मालकिन। जाओ जाओ जल्दी जाओ, समय हो रहा है। जी मालकिन। ठीक से संभाल के। अरे संभाल के ब्रिज, संभाल के। ठाकुर साहब, ये लीजिए ठाकुर साहब। ये क्या है राघव? आप खुद देख लीजिए। मैंने आपसे उस दिन कहा था ना कि एक प्रकाशक है जो आपकी किताब छापने के लिए राजी हो गया है। उसी ने ये रकम पेश की दी है। मगर ये कौन सा प्रकाशक है जिसने बिना किताब पढ़े और पूरी होने के पहले ही इतनी बड़ी रकम दे दी? ऐसे कैसे देख रही हो भाई? अरे दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों की प्रतिभा में विश्वास है, जिनमें हौसला भी है और अच्छे और बुरे की पहचान भी। ठाकुर साहब, एक न एक दिन सबकी मेहनत सफल होती है। तस्वीर एक काम नहीं हुआ तुमसे? हाँ, तुम फाइल पापा की गाड़ी में रख नहीं सकती थी? यूज़लेस कहेगी। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से पापा वापस आ गए, वापस हमारे हाथ में आते आते रह गए। तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। कहीं ये सब तुमने जानबूझकर तो नहीं किया? हम ऐसा क्यों करेंगे? खुद को चोर साबित करने के लिए? क्या है? ऐसे घूर कह रही हो? तुम्हें एक बात याद रखना हो कि तुम्हारी दुखती रख पर अब भी मेरी उंगली है। दिनों से तुम ये कह रहे हो कि पेपर्स तैयार हैं, ला के दे रहा हूं। पेपर्स लाए? नहीं। मुझे उंगली टेढ़ी करने पर मजबूर मत कीजिए विमल साहब। कोई जरूरत नहीं है अमजद भाई, मैं खुद चाहता हूं कि ये डील जल्द से जल्द फाइनल हो जाए। आप मेरी बातों का भरोसा करें। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं। वो ठीक है। वैसे इस काम के लिए मैंने एक आदमी रखा है, स्वर्ण भवन से उसका कुछ पुराना ताल्लुक भी है। मेरी तरफ से वही तुम्हारे साथ बातचीत करेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि रोज मैं फोन करके तुमसे ये पूछूं कि पेपर्स तैयार हुए या नहीं। मैं कोर्ट जा रहा हूं। ऑल द बेस्ट सर। थैंक्स।
नाराज है ना हमसे? आज सुबह हम कुछ ज्यादा ही कह गए। उस दिन हमें थैंक्स कहने के लिए आप हमें कॉफी पिलाने ले गए थे। आज आपको सॉरी कहने के लिए हम क्या करें? कॉफी तो आपको पिलाने नहीं ले जा सकते, घर पे बना सकती हैं। पर हमें रसोई में जाने की इजाजत? मैं देता हूँ। ठीक है, हम आपके लिए कॉफी यहीं बना लेंगे। करण, हमारे इतना गुस्सा करने के बाद भी आपने सबके सामने हमें बेइज्जत होने से बचाया, क्यों? मैंने आपसे कहा था तस्वीर जी, मुझे चेहरा पढ़ना आता है, और आपका चेहरा देखकर मैं इतना तो बता ही सकता हूं कि आप ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। और आप मुश्किल में हो और मैं ना हूं, ये नहीं हो सकता। पर ये सब आप क्यों कर रहे हैं? हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आपके सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते। फिर ये सब क्यों? क्यों मत पूछिए तस्वीर जी। मैं आपके लिए ये सब जिंदगी भर करने को तैयार हूं, बस आप हक दीजिए। हो सकता, हमारे हालात हमें इसलिए आज्ञा नहीं देते। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा। जब आपके हालात आपको आज्ञा दें और आप खुद मुझे ये हक दें। थैंक यू। शक्कर कम है? कम नहीं, आपने बनाई है ना। अब आज किस्मत ने हमारा साथ दे ही दिया। कैसे भैया? आज एक और मोहरा हमारे हाथ लगा है, जिसे दांव पर लगाकर हम बहुत आसानी से स्वर्ण भवन को बेच सकते हैं, और किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। आज हमें एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है आभा, अब हम और भी मन लगाकर काम करेंगे। हमारे घर में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी आभा, खुशियां ही खुशियां। इसी खुशी के नाम पर चीयर्स। अरे ये तो बताइए कि कहां मिला है, कौन? हम, अब हम करेंगे माँ का हर सपना पूरा। नौकरी मिली कहाँ है? चौधरी बिल्डर्स के ऑफिस में, उन्होंने ही मुझे उससे मिलवाया। चौधरी बिल्डर्स? हमारे सबसे बड़े दुश्मन का बेटा स्वर्ण प्रकाश। क्या बात है आबा, तुम चौधरी बिल्डर्स का नाम सुनकर इतना घबरा क्यों गई? वो हमने उनका नाम ऑफिस में सुना था, वो अच्छे इंसान नहीं है, आप उनके पास काम मत कीजिए। लेकिन आभा, उन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए हैं। हेलो। हाँ मैडम, आपने कहा था ना, ठीक वैसा ही घर मिल गया है, मोहल्ला भी अच्छा है, और किराया भी आपने जितना कहा था, बिजली पानी बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात पक्की करने के लिए आपको अभी आना पड़ेगा। हाँ हम अभी आ। अब जरा होल्ड कीजिए।
देखिए, हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, हमारे सर की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हम उन्हें ऐसे छोड़कर घर देखने नहीं आ सकते। मगर मैडम, घर आपके हाथ से निकल जाएगा और बॉस का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी थोड़ी ही है। देखिए, आप हमें हमारी जिम्मेदारी मत समझाइए। अगर घर अच्छा होगा तो हमारी माँ देखने आ जाएगी, आप पता बताइए। आइए सर, आइए। देखिए, अच्छा है। और सर, किराया भी उतना ही है कि जितना आप चाहते थे। और एक खास बात सर, खिड़की के पीछे से ट्रेन भी नहीं गुजरती है। नाइस। तस्वीर जी को अच्छा लगेगा ये घर, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नाइस। अगर आप कहें तो मैं मकान मालिक से बात करूं। हाँ बिल्कुल। डॉनमैन, कोई और पार्टी आ रही मकान देखने के लिए? अरे आपने तुमसे कहा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मकान मालिक से कहिए मुझे किसी भी कीमत पे ये मकान चाहिए। आप ये रखिए। दूसरी पार्टी को फॉर्मेलिटी के लिए घर दिखा दीजिए। कुछ करता हूं आपके लिए। हो सकता है उस पार्टी को मकान ही ना पसंद है। ऐसा ही कीजिए। चलिए आंटी, मैंने ही इन्हें कहा था आपसे झूठ बोलने के लिए। वो मैंने ना ये घर अपनी एक दोस्त के लिए पसंद कर रखा था, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी दोस्त और आपकी बेटी एक ही है। आपको बहुत बुरा लगेगा अगर उन्हें पता चलेगा कि पिताजी के सबसे बड़े दुश्मन का बेटा घर ढूंढने में हमारी मदद कर रहा है। मतलब तुम? मैं करण। करण? तस्वीर जी का दोस्त। आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस घर की सारी फॉर्मेलिटीज मैं देख लूंगा। आप लोग बस सामान बांधिए और रहने आ जाइए। बड़े अच्छे संस्कार है बेटा तुम्हारे। तुम हमारी बेटी के साथ काम करते हो? प्लीज माँ को मत बताना। जी नहीं नहीं, मैं काम नहीं करता। तस्वीर जी मेरे पापा के ऑफिस में काम करती है। क्या हुआ आंटी, आपको घर पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इससे भी अच्छा घर ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, घर अच्छा है। तुम मुस्कुराइए ना। आंटी आपको पता है, आज तक मैं सिर्फ तस्वीर जी के अच्छे के बारे में सोचता था, लेकिन
लेकिन आज मुझे तस्वीर जी से जलन हो रही है। क्यों? मेरी मां बचपन में ही तस्वीर जी बहुत लकी हैं। दिल छोटा मत करो बेटा, जब भी तुम्हें अपनी माँ की याद आएगी ना तो ये समझ लेना कि उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे याद तो नहीं है आंटी, लेकिन अगर मेरी माँ होती तो आप जैसे ही होती, एकदम देवी की तरह। आज आपको मिलके माँ की कमी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है। और ये एक ऐसी कमी है जो भगवान भी पूरी नहीं कर सकता। छोड़िए आप मेरी बातों को, आपको घर पसंद आया ना, बस अब तो आना जाना लगा रहेगा। आप मुझे अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाएंगी ना? माँ के हाथ के खाने का स्वाद क्या होता है मैं तो भूल ही गया हूँ। मन नहीं मान रहा मेरा, कोई 3 लाख रुपए कैसे दे सकता है इनको, इनके किताब के लिए? यकीन क्यों नहीं हो रहा है मुझे? कोई बात तो जरूर है, पता लगाना ही पड़ेगा। ये जानकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा ठाकुर साहब। उस प्रकाशक, उस नेक इंसान का तो हमें एहसान मन होना चाहिए, नहीं? क्या नाम बताया था आपने उस प्रकाशक का? विकास प्रकाशन। विकास प्रकाशन, कभी सुना नहीं मगर नाम। उज्जैन में नहीं है क्या? है, राघव ने कुछ बताया था, फ्रीगंज घंटाघर चौक के पास है कोई दुकान, 15 नंबर की। वही विकास प्रकाशन, घंटाघर चौक। ये चाय पी लीजिए। जी भाई साहब। हाँ जी बताइए, क्या चाहिए आपको, बता दूँ आपको? नहीं, शॉप नंबर 15 यही है ना? हाँ जी, शॉप नंबर 15 यही है। तो विकास प्रकाशन किधर है? विकास प्रकाशन तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो हमारी दुकान है। बताइए जो भी आपको लेना हो। नहीं नहीं, ये एक मिनट, ये संभल के। ये देखिए, पढ़िए। हाँ जी, पता तो यही का लिखा है, लेकिन पिछले 20 सालों से तो हम ही दुकान कर रहे हैं यहाँ। विकास प्रकाशन, प्रकाशन तो यहाँ पूरे इलाके में नहीं है। समझ, पापा सो गए होंगे, चलिए चलिए पेपर्स निकाल लेते हैं। चलिए चलिए।
चली इस वक्त यहां पापा वो अब आप पापा आपने दवाई ली? हाँ बेटी दवा ले ली। वो तस्वीर ने वक्त पे इनहेलर दे दिया था। आपकी तबीयत की बहुत चिंता हो रही थी पापा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा दें। पापा आप ठीक है ना? अच्छा हम चलते हैं फिर, टेक केयर। चलो शर्मा। स्वीट जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे एक टेबल और कुछ कुर्सियां रख दी जाएं, तो शाम को सनसेट के समय चाय पीने का बड़ा मजा आएगा। क्या कहती हैं आप? गुड आइडिया। अंदर चले। तस्वीर जी, मुझे लगता है हमें यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल रखना चाहिए, ठीक है? और उस कॉर्नर में सोफा सेट रख सकते हैं सेंटर टेबल के साथ। राइट साइड में आप टीवी रख सकती हैं। और हाँ, यहाँ पे हम एक बड़ा सा प्लांट रख देंगे और एक पेंटिंग लगा देंगे। क्या कहती हैं आप? बहुत अच्छे हैं करण, कोई भी किसी की ऐसे ही सहायता नहीं करता बिना मतलब के। आप जानती नहीं है मुझे, मैं बहुत मतलबी हूं। और मेरा मतलब तो आपकी खुशी है। आप खुश हैं तो मैं खुश हूं ना? अब देखिए, ये किचन है, ठीक है? तो मैं सोच रहा था कि हम लोग गैस यहाँ रख सकते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।